सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विनिंग पॉइंट्स के बारे में। विनिंग पॉइंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिवेंटिव ऑब्स्टेट्रिक एंड पीडियाट्रिक्स में, जो बहुत ही ज़्यादा सवाल जिन पे पूछे जाते हैं। ऐसे पॉइंट्स बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, एम्स के अलग अलग एग्ज़ाम में आते हैं, बाकी अदर एग्ज़ाम में भी आपके बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCH प्रॉब्लम कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल माल न्यूट्रिशन, देन इन्फेक्शन, एंड थर्ड है अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी। माल न्यूट्रिशन सबसे पहला है, दूसरा इन्फेक्शन है, और तीसरा है अनरेगुलेटेड फर्टिलिटी। कोई भी फर्टिलिटी पे रोक नहीं है, कितने भी कुछ भी हो सकते हैं बच्चे। मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर टू बी स्क्रीन्ड इन न्यूनेट, न्यूनेट में सबसे कॉमनली क्या स्क्रीनिंग की जानी चाहिए, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म को रूल आउट किया जाना चाहिए मोस्ट कॉमनली। उसके बाद में अगला पॉइंट हम बात करते हैं वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल, दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ टूल क्या है, वो है इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। टीकाकरण इम्यूनाइजेशन होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जुवेनाइल एज के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जुवेनाइल एज, कितनी एज को हम जुवेनाइल एज बोलते हैं? लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज इज जुवेनाइल, 18 ईयर्स से अबव अडल्ट आ जाता है। जुवेनाइल एक्ट जो है 1986 में आया था। जुवेनाइल एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ए बॉय हु इज लेस देन 16 ईयर इज जुवेनाइल एंड अ गर्ल लेस देन 18 ईयर्स, लड़का 16 साल से कम उम्र का है वो जुवेनाइल है, और लड़की में 18 साल की उम्र से कम है तो वो जुवेनाइल में आते हैं। उसके बाद मोस्ट कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक और आता है अगला आपका, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यू बॉर्न की रेस्पिरेटरी रेट कितनी होनी चाहिए। न्यू बॉर्न की रेस्पिरेटरी रेट होती है 40 to 60 बीट्स पर मिनट। अगर 60 से अबव है तो भी खतरे की घंटी है, अगर बिलो 40 है तो भी खतरे की घंटी है। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ आती है नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो है ये ओनली फॉर पुअर वुमेंस के लिए है, गरीब महिलाओं के लिए 500 रुपये पर बर्थ एक्स्ट्रा दिए जाते हैं फॉर द फर्स्ट 2 डिलीवरीज ओनली, उसके बाद ये स्कीम नहीं दी जाती है। देन नेक्स्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG 4, 1, 2, 3 पहले से, 4 में क्या था, ये नाउडेज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी रिड्यूस करनी है इसमें, इस गोल में 2/3 बाय द ईयर ऑफ 2015। उसके बाद में 1 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक पॉपुलेशन, एक ब्लॉक लेवल की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, एक ब्लॉक लेवल की पॉपुलेशन 1 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए। 1 लाख की पॉपुलेशन में 100 विलेज आने चाहिए। देन TT डोजेज फॉर प्राइमरी ग्रेविडा, अगर पहली बार माँ बनी है तो उसे TT के कितने डोज मिलने चाहिए, 2 डोज TT के मिलने चाहिए। फर्स्ट डोज जो TT का है वो एज अर्ली एज पॉसिबल, प्रेगनेंसी का कन्फर्म होते ही फर्स्ट डोज लगना चाहिए, और फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज के बीच में 4 वीक का गैप होना चाहिए, उसके बाद सेकंड डोज। अगर 9 मंथ प्रेग्नेंट भी कोई आती है, प्राइमरी ग्रेविडा है, तो उसे भी हम TT फर्स्ट डोज देंगे, एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम TT सेकंड डोज देंगे उसको। देन
इन इंडियन लॉ चाइल्ड एज बच्चा कब तक माना जाता है, 0 से 18 ईयर्स। नाउएडेज कुछ एक केसेज में एज लिमिट को कम भी किया जाता है, लेकिन वो स्पेसिफिक केस। ओवरऑल 0 to 18 ईयर्स। WHO gave आइडिया ऑफ सेफ मदरहुड इनिशिएटिव। सेफ मदरहुड कब से स्टार्ट किया गया था, 1987 में नैरोबी कीनिया में स्टार्ट किया गया था 1987 में। प्रोटेक्टिव शील्ड जो बनती है वो किससे बनती है, मेड ऑफ लेड, लेड की बनी होती है प्रोटेक्टिव शील्ड। ये भी बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। अगला जो सवाल है, डेली नीड ऑफ कैलोरीज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितनी कैलोरीज डेली की रिक्वायरमेंट होती है, 2250 2250 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी में। इसके बारे में अलग से भी सवाल पूछा जा सकता है, कितनी कैलोरीज एक्स्ट्रा कितनी कम वो भी बताया जाएगा आपको। देन बॉयज मोर देन 16 ईयर्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल इन सर्टिफाइड स्कूल आर सेंट टू बोस्टल। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग के गोल्डन पॉइंट्स अपने जो है विनिंग पॉइंट कौन कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव मीनिंग जहाँ पे भी आए, एक्सक्लूसिव मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी नहीं, एक पानी की बूंद तक नहीं, ये 6 महीने की उम्र तक किया जाता है। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, IgA, मोस्ट अबेंडेंट IgA फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क इज IgA। उसके बाद हम बात करें मीन आउटपुट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क पर डे, मैक्सिमम कब होता है ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट, 5 to 6 months ऑफ लैक्टेशन, 5 to 6 months ऑफ लैक्टेशन में मैक्सिमम ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन मिल्क इन 100 ml, 100 ml में कितना कैल्शियम होता है, तो ये होता है 28 microgram। देन एक और रिसेंट डेज में पूछे जाने वाला सवाल है, वे कैसिन रेशियो इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में वे कैसिन का रेशियो कितना होता है, 7:3। देन ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ब्रेस्ट फीडिंग वीक पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है, अगस्त में, 1 से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह मनाया जाता है। देन मा प्रोग्राम, मा मीन्स मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ये भी प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के माँ के दूध के बढ़ावा देने के लिए माँ प्रोग्राम इनिशिएटिव किया गया था। देन इनोसेंट डिक्लेरेशन इज फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी काफ़ी टाइम पूछा जाने वाला सवाल है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। देन हम बात करते हैं विनिंग पॉइंट्स में MCH इंडिकेटर्स। MCH इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम बात करें, अपार्ट फ्रॉम IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अदर इम्पोर्टेंट इंडिकेटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ वो क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोस्ट कॉमन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR, MMR इज एक्सप्रेस्ड एज मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, जो 1 लाख लाइव बर्थ पे कितनी डेथ हुई वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है। देन एक्सटेंडेड डेफिनेशन पेरिनेटल मोर्टेलिटी इंक्लूड क्राउन हील लेंथ ऑफ, क्राउन हील लेंथ ये USG से पता लगता है अपने को, एंड मोर देन 35 सेंटीमीटर एट बर्थ, सर से लेके पांव तक की जो लेंथ है वो मोर देन 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन
पोस्टनेटल पीरियड कौन सा पीरियड होता है? आफ्टर प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है वो पोस्टनेटल पीरियड एक्सटेंड्स फॉर 6 वीक, ये भी पूछा जाता है। 42 डेज भी इसमें कभी कभी सवाल आता है। 42 डेज इज पोस्टनेटल पीरियड। देन करंट नियोनेटल मोर्टलिटी रेट ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली जो मोर्टलिटी रेट नियोनेट की है वो है 24 पर लाइव बर्थ, ये 2019 के आंकड़े हैं। देन डिनोमिनेटर ऑफ पेरीनेटल मोर्टलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टलिटी रेट का डिनोमिनेटर है टोटल लाइव बर्थ मोर देन 1000 ग्राम एट बर्थ। देन स्टिल बर्थ का डिनोमिनेटर क्या है? स्टिल बर्थ में लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ मोर देन 100 ग्राम्स। देन मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टलिटी, एनीमिया। एनीमिया बहुत ही मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल मोर्टलिटी के लिए। एनीमिया मुक्त भारत के लिए भी रिसेंटली गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, और ब्लॉक लेवल, पीएचसी लेवल, सीएचसी लेवल तक सुविधाएं काफ़ी अच्छी दी जाती है। देन ग्लोबल बर्डन ऑफ चाइल्ड मोर्टलिटी इज 6.3 मिलियंस। देन डिनोमिनेटर फॉर एमएमआर, एमएमआर का डिनोमिनेटर क्या होता है? लाइव बर्थ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमएमआर इज हेमरेज, हेमरेज की वजह से पोस्टपार्टम एंटीपार्टम अलग अलग टाइप के हेमरेजेज होते हैं, तो हेमरेज इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टलिटी रेशियो। देन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टलिटी इन इंडिया, ये सवाल एम्स में रिपीटेडली पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टलिटी इन इंडिया इज लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योर बेबीज इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वो रहते हैं सस्पेक्टेड, एंड उनकी डेथ भी बहुत ज़्यादा होती है। देन इफेक्टिवनेस ऑफ एमसीएच सर्विसेज इज गिवन बाय आईएमआर। देन डिनोमिनेटर इन एमएमआर इज 1000 लाइव बर्थ एक्सप्रेस पर 1 लाख लाइव बर्थ। एमएमआर के बारे में हमने ऊपर भी बात कर ली थी। नेक्स्ट विनिंग पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले बेबी वेट पे अगर बात करें, बेबी वेट नॉर्मल बेबी वेट मोर देन 2.5 kg है, तो लो बर्थ वेट में होगा लेस देन 2.5 kg, ये भी सवाल पूछा जाता है। LBW, LBW के अलावा VLBW भी होता है, वेरी लो बर्थ वेट इज लेस देन 1.5 kg, एंड ELBW एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज लेस देन 1000 ग्राम। देन मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे अच्छी ग्रोथ हो रही है उसके बारे में पता किससे लगाएंगे? तो उसके वेट से, अकॉर्डिंग टू वेट। देन बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन अगर बच्चा है उसके बारे में पता लगाना है तो सबसे अच्छा क्या होता है पैरामीटर? सबसे अच्छा पैरामीटर होता है हाइट फॉर एज। हाइट एज के अकॉर्डिंगली बढ़ती जाती है, अगर हाइट बढ़ नहीं रही है तो बच्चा माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है। देन लो बर्थ वेट इंसिडेंस इन इंडिया, कितने बेबीज लो बर्थ वेट के होते हैं अभी भी? 18% बेबीज अभी भी लो बर्थ वेट के होते हैं। लो बर्थ वेट के होने का मोस्टली कारण क्या रहता है? पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है। पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ही माँ में एनीमिया की शिकायत पाई जाती है। देन वेट ऑफ ए न्यू बोर्न ट्रिपल्स इन, एक न्यू बोर्न है वो 3 गुना कब तक होगा? 3 गुना होगा वो 1 साल तक। दो केजी का कोई बेबी है तो वो 1 साल के अंदर अंदर 6 केजी का हो जाएगा। देन एच चाइल्ड ड्रॉज ट्राइंगल, त्रिभुज के आकार कब तक बना सकते हैं बेबी?
वो है 5 ईयर्स तक, 5 साल तक का बच्चा। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है उसमें आपको अच्छे से भी बताया जाएगा, लेकिन ये विनिंग पॉइंट्स है जो बार बार आपके स्ट्राइक करने चाहिए। देन प्री टर्म बर्थ, प्री टर्म, टर्म, पोस्ट टर्म। प्री टर्म के बारे में अगर हम बात करें, प्री टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 37 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन, 37 वीक से पहले अगर बेबी डिलीवर हो गया है तो वो प्री टर्म बेबी है। 37 to 42 वीक्स तक अगर है तो वो टर्म बेबी कहलाता है, और मोर देन 42 वीक्स, 42 सप्ताह के बाद पोस्ट टर्म बेबी कहलाया जाएगा। इन WHO ग्रोथ चार्ट, ग्रोथ चार्ट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसमें लोअर रेफरेंस कर्व, 3 टाइप के कर्व होते हैं, अपर रेस्पॉन्स रेफरेंस कर्व, नॉर्मल एंड लोअर। लोअर रेस्पॉन्स कर्व रिप्रेजेंट थर्ड परसेंटाइल फॉर गर्ल्स। देन नेक्स्ट इज बेस्ट इंडिकेटर फॉर ग्रोथ मेजरमेंट। ग्रोथ मेजरमेंट का सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है? वेट। ऊपर भी हमने पढ़ा था, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ अमंग चिल्ड्रन इज वेट। देन बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, हाइट फॉर एज। देन बेस्ट पैरामीटर फॉर असेसमेंट ऑफ अक्यूट माल न्यूट्रिशन, वेट फॉर हाइट। ये हमें पता होना चाहिए। देन हम बात करें, बच्चा माल नरिश्ड है तो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस लिया जाता है। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द एज ऑफ 1 to 5 ईयर्स, 1 से 5 साल तक कॉन्स्टेंटली चेंजेज होते रहते हैं। MUSE टेप, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस टेप, साकिर स्टेप जिसको बोला जाता है, उससे मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लिया जाता है। देन एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इज लेस देन 1000 ग्राम, ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ICDS स्टार्ट कब हुआ? सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं, इन द ईयर ऑफ 1975 में ये स्टार्ट हुआ। ICDS में वन कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, एक कम्युनिटी का जो डेवलपिंग ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक वाइज अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाती है। एक ब्लॉक में 100 विलेज होती है एंड 1 लाख तक की पॉपुलेशन होती है। अपर मोस्ट कर्व इन ICDS ग्रोथ चार्ट कितनी होती है? 50% फॉर बॉयज। ICDS कर्व कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? ये सवाल भी पूछा गया है बार बार। कौन सी मिनिस्ट्री के? हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। देन आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर कवर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आते हैं। देन चाइल्ड एज अंडर ICDS, ICDS डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली चाइल्ड कितने साल तक का चाइल्ड ICDS में कवर किया जाता है? अप टू द ईयर ऑफ 6। देन हार्ट ऑफ ICDS सिस्टम, ICDS का हार्ट क्या होता है? ICDS का हार्ट होता है आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी से सारी चीज़ें संचालित की जाती है। देन पॉपुलेशन कवर्ड बाय आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी कितनी पॉपुलेशन कवर करती है? आंगनवाड़ी 300 से 800 तक की पॉपुलेशन कवर करती है ट्राइबल एरिया में। और वही अगर हम प्लेन एरिया में बात करें तो 400 से 800, ट्राइबल के साथ साथ हिली एरिया भी अगर है, हिली एरिया में भी 300 से 800 पे एक आंगनवाड़ी होगी। आंगनवाड़ी पे आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका लगाई जाती है, जो कि पूरा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, अलग अलग प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं, वो वहाँ से संचालित किए जाते हैं। ये हुए आपके विनिंग पॉइंट। नेक्स्ट विनिंग पॉइंट में अगर हम चलें तो नेक्स्ट विनिंग पॉइंट है स्कूल हेल्थ। स्कूल हेल्थ के लिए सबसे पहले रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन,
बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में बच्चों का हेल्थ एग्जामिनेशन नेसेसरी होता है कितने टाइम से, वंस एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में बच्चों का स्कूल हेल्थ एग्जामिनेशन होना चाहिए। आगे हम बात करें कि स्कूल में क्या क्या एरिया होना चाहिए, डोर्स एंड विंडो एरिया इन स्कूल और क्लास इज मोर देन 25% ऑफ फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया का 25% होना चाहिए जिससे लाइट काफ़ी अच्छी आए। लाइट का सोर्सेज मेनली जो है वो लेफ्ट साइड में होने चाहिए जिससे लिखे तो लिखने में आसानी रहे। देन नेक्स्ट पॉइंट, अगर अपन बात करें मैक्सिमम रिकमेंडेड स्टूडेंट इन ए स्कूल क्लासरूम 40, 40 से अबव अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उनके लिए अलग अलग क्लासेस बना देने चाहिए। देन आइडियल डेस्क, डेस्क डेस्क जो बच्चों के सामने रखी जाती है वो कौन सी डेस्क होनी चाहिए, आइडियल डेस्क इज माइनस डेस्क एंड फॉर ए सिंगल स्टूडेंट सिंगल डेस्क इज बेटर ऑप्शन। हर बच्चे के लिए एक सिंगल डेस्क होनी चाहिए, ना कि दो तीन बच्चों के लिए एक ही डेस्क हो। तो ये हमारे विनिंग पॉइंट्स है, नेक्स्ट में हम और बात करेंगे। थैंक यू।